हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो का टॉपिक है ना, उसकी मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है और शायद आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो। क्योंकि आज का टॉपिक है फाइट विद शुगर। अगर आप भी शुगर कम करना चाहते हो या फिर क्विट करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ वैल्यूएबल टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि शुगर क्विट करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, आप अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस महसूस करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपको शुगर छोड़ने के बारे में सोचना ही क्यों है। ऐसा क्या मिल जाएगा अगर आप थोड़े दिन के लिए कम्प्लीटली अपनी लाइफ से शुगर को रिमूव कर देते हो। शुगर क्विट करने से आपकी हेल्थ एंड आपकी ओवरऑल वेलबींग पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। सबसे पहला बेनिफिट है इम्प्रूव्ड एनर्जी। जब आपके ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा होता है ना, तो आपकी एनर्जी की टाई फिश हो जाती है। हमारी बॉडी में शुगर रश तब होता है जब हम हाई शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं या फिर एक्सेस में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करते हैं। ऐसे में हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत जल्दी रिलीज होता है, जिससे लड़ने के लिए इंसुलिन स्पाइक होता है। एंड ऐसी सिचुएशन में मोस्टली लोग लिथार्जिक फील करते हैं, स्पेशली लंच करने के बाद। यही रीजन है कि जो लोग डायबिटिक होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ही लो साउंड करती है, वो सारा दिन लिथार्जिक होके घूमते रहते हैं। इसीलिए बोल रही हूँ कि शुगर रश के बिना आपकी एनर्जी सारा दिन कंसिस्टेंट रहेगी। हुआ ना एक नंबर का बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है ग्लोई स्किन। शुगर कम करने से आपकी स्किन ग्लोई एंड रेडिएंट हो सकती है, क्योंकि हाई शुगर से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है, जिसकी वजह से एक्नेस बढ़ते हैं। तो अगर क्लियर और रेडिएंट स्किन चाहिए तो शुगर तो छोड़ना पड़ेगा। एंड तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वेट लॉस। वाह 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 वाह, बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं जाएगी, सारा दिन एनर्जेटिक फील करोगे, एक्सरसाइज करने का मन करेगा और मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा। एंड फोर्थ बेनिफिट कुड बी रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। शुगर इंटेक कम करने से डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज का रिस्क कम हो जाता है। एंड फिफ्थ बेनिफिट कुड बी इम्प्रूव मेंटल वेलनेस। बहुत सारे लोग नोटिस करते हैं कि अगर वो शुगर को क्विट करते हैं तो उनका मूड बहुत अच्छा रहता है, उनको एंजाइटी कम होती है। तो चलो अब बात करते हैं शुगर को क्विट करने के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। टिप नंबर 1, लेबल्स को ध्यान से पढ़ें। अब तो बहुत ज्यादा जागरूकता आ गई है मार्केट में लेबल्स को लेके। आपको पता है बहुत सारे फूड आइटम्स में शुगर अलग अलग नाम से छुपी होती है, जैसे कि फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, सुक्रोज, ग्लूकोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेबल्स को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। टिप नंबर 2, ग्रेजुअल रिडक्शन। एकदम से शुगर को क्विट नहीं करना है, स्पेशली अगर आप रेडी नहीं हो, क्योंकि अगर आप एकदम से शुगर को क्विट करोगे तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। आपका एक दो दिन बाद मन करेगा कि चल थोड़ा सा खा लेता हूँ, क्या बिगड़ेगा, या फिर बहुत ज्यादा मूड खराब हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, मुझे तो मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं छोड़ सकता शुगर। ऐसा नहीं करना है, ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको शुगर को छोड़ना है। टिप नंबर 3, हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स फॉर शुगर। अगर आपको स्वीट की क्रेविंग्स हो रही है तो यू कैन हैव फ्रूट्स, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, योगर्ट खा सकते हो, कोई भी हेल्दी स्नैक्स आप चूज कर सकते हो अपने लिए। एंड अगर आपको दिन में एक या दो बार चाय या कॉफी पीने की आदत है और उसमें भी आप चीनी लेते हो, तो उसके सब्स्टिट्यूट में आप ड्राई डेट्स का पाउडर यूज कर सकते हो। बहुत सारी ब्रांड्स आजकल मार्केट में ड्राई डेट्स का पाउडर बेच रही हैं। अपनी समझ से कोई भी ऑर्डर कर लो। मैं यहाँ पे कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, तो मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, खुद ही ऑर्डर कर लो। टिप नंबर 4, स्टे हाइड्रेटेड। कभी कभी ना हमारी बॉडी थर्स्ट को हंगर समझ लेती है, इसीलिए अपने रूटीन में पानी ज्यादा पियो ताकि आपको शुगर की क्रेविंग्स कम हो। टिप नंबर 5, स्टे एक्टिव। जितना हो सके आपको फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, क्योंकि इससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज रहता है, आपको शुगर की क्रेविंग्स बहुत कम होती है। एंड लास्टली, गेट अप्रोप्रिएट स्लीप। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपकी बॉडी क्विक एनर्जी सोर्स को तलाश करती है, वो इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी में ग्रेलिन नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। तो इसीलिए अर्ली डिनर करके टाइमली सो जाया करो। रात को भूत की तरह भटकोगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज जरूर ठूसोगे। देखो दोस्तों, शुगर क्विट करना चैलेंजिंग जरूर हो सकता है, बट ये इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आप इन टिप्स को फॉलो करके शुगर को बिल्कुल क्विट करने की ट्राई कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को एक थम्स अप दो और किसी ऐसे इंसान से शेयर करो जो कि शुगर क्विट करने के बारे में सोच रहा है। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोज। मिलते हैं अगले वीडियो। बाय बाय।